हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेनमवर्स का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ग्वेनपूल आखिर वेनम पूल कैसे बनती है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि उसका लव इंटरेस्ट किसके साथ है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि कई लोगों ने मुझे ब्राइटेस्ट डे के बारे में कई बार कमेंट करके पूछा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मार्वल और डीसी की कॉमिक्स वन बाय वन करना चाहता हूँ, और इसी के लिए मैं वेनमवर्स के खत्म होने के बाद ही ब्राइटेस्ट डे शुरू करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि इस आंसर के साथ आप सभी की क्वेश्चंस और क्वेरीज शांत हो चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दो क्रिमिनल्स को, क्योंकि ड्रग डिलीवरी करने आए थे, और वहां पर हमें ग्वेनमपूल की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, कई दिनों पहले मैंने रियल वर्ल्ड छोड़ दिया और सक्सेसफुली ट्रेवल करके स्पेस जो कि रियलिटीज के बीच में था उसमें इमर्ज हो गई, और कॉमिक बुक के लैंड में जो कि सुपर हीरोज का था वहां पर मैं आकर सेटल हो गई, और यहाँ पर फन है, और मैं यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स को मार चुकी हूँ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, और मुझे पता है कि सर्वाइव करने के लिए इस प्लेस के अलावा और कोई भी दूसरी जगह अच्छी नहीं हो सकती, और इसी वजह से सर्वाइव करने के लिए मुझे एक मेन कैरेक्टर बनना पड़ा खुद के लिए। और यहाँ पर वो धीरे आवाज में कहती है, क्योंकि फेसलेस कैरेक्टर्स में ही लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, और यहाँ पर वो आगे कहती है, तो इसी वजह से मैंने ये आउटफिट पहना और अपनी पैसे की जरूरत को एक मर्सिनरी सोल्जर बनके पूरा किया। यहाँ पर वो दोनों क्रिमिनल्स आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने ग्वेनपूल आकर खड़ी हो जाती है, और वो कहती है, गुड इवनिंग, ये कहना सही होगा क्योंकि ये नाइट ड्रग डीलिंग के लिए अच्छी है ना। उसमें से एक आदमी कहता है, मुझे नहीं पता लेडी कि तुम कौन हो, लेकिन ये सही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर ग्वेनपूल कहती है, नहीं, मेरा सोचना कुछ अलग है, क्यों ना तुम क्रिमिनल्स को ही मैं शूट कर दूं। इस पर दूसरा आदमी गन निकालते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। यहाँ पर ग्वेनपूल कहती है, लेकिन इन सभी के बीच में एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों आदमी ग्वेनपूल को शूट कर देते हैं, और धीरे धीरे करके उसके शरीर में सारी गोलियां जाकर लगने लगती है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मरी हुई थी, लेकिन मरते हुए भी वो अपनी जीभ बाहर निकालकर एक फनी लुक दे रही थी। यहाँ पर वो कहती है, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि कोई सुपर पावर नहीं थी जब तक एक दिन मुझे वो गाय मिला जिसने मुझे कुछ ऐसा दिया जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और यहाँ पर हम उन दोनों क्रिमिनल्स की बात सुन रहे थे। यहाँ पर एक कहता है, मैं कसम से कह रहा हूँ, यहाँ पर इस सिटी में समझ में नहीं आता कि स्पैंडेक्स इडियट्स हीरोज है या फिर कोई क्रेजी पर्सन है, पता ही नहीं चलता कि कौन सुपर हीरो है और कौन सुपर लूजर। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे डील हो जाने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और वहाँ पर वो आदमी डील करने के लिए आता है, और वो पूछता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, क्या चिंता की कोई बात है। इस पर वो दोनों कहते हैं, नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं कि ग्वेनपूल का खून जो कि लाल था वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, और ग्वेनपूल एक वेनम में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर वो कहती है, और फाइनली मैंने उस आदमी का हाथ काट दिया जो कि कंटेनमेंट लेकर भाग रहा था, उसी के साथ मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी मैं तलाश कर रही थी, पावर्स की, और जो पावर्स मुझे चाहिए थी एक सुपर हीरो की तरह वो मुझे मिल गई। और आगे ग्वेनमपूल जिंदा होकर फिर से कहती है, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी उस पर निंजास अटैक करते हैं, और निंजास को देखते ही सिम्बियोट कहता है, मुझे अब बहुत प्यार हो रहा है तुमसे क्योंकि तुमने मुझे फीस्ट करने के लिए निंजास दे दिए, और अब मैं प्यार से इन पर फीस्ट करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वेनम अलग अलग फॉर्म्स लेकर उन निंजास को मारकर खाए जा रहा था, और कह रहा था, ये निंजास मास्टर ऑफ स्टेल्थ मार्शल आर्ट और थोड़ा बहुत मैजिक भी, लेकिन इनका ग्रुप खाने में बहुत मजेदार है। यहाँ पर उनका लीडर घबराते हुए एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर वहां से गायब होता है, और कहता है, इससे लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइकोटिक सिम्बियोट है और इस नाइट हम बचने नहीं वाले। लेकिन वो वहां से भागते ही वेनमपूल और सिम्बियोट दोनों ही नाराज हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर डेयरडेविल आ जाता है, और डेयरडेविल को देखते ही ग्वेनपूल अपने मुंह से लार टपकाने लगती है। इसका मतलब आप अलग तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि वो यहाँ पर उसे प्यार करती है, उसे पसंद करती है, और उसे देखते ही ग्वेनपूल कहती है, क्या ये सच में डेयरडेविल है, ये कितना क्यूट है, ये सच में बहुत क्यूट है। यहाँ पर डेयरडेविल उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर ग्वेनमपूल कहती है, ग्वेनमपूल नहीं नहीं हम अभी इस पर काम कर रहे हैं, हम बता देंगे। और वहाँ पर वो कहती है, सॉरी, लेकिन उन इविल निंजास को मारना जरूरी था, तुम समझ पाओगे है ना। इस पर डेयरडेविल कहता है, हाँ मैं समझ पाऊंगा, इन निंजास को मारना बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन अगर उसके पीछे कुछ अच्छा रीजन हो तो, और वो कहता है कि आज रात मुझे कोई और ढूंढना होगा, शायद कहीं और पर कुछ बड़ा क्राइम हो रहा हो। और उसे जाता देखकर वेनम पुल कह रही थी, कौन कह सकता है कि एक लॉयर इतना सेक्सी हो सकता है। यहाँ पर वो छतों पर कूदते हुए वहां से चला जाता है और जाते वक्त उसे कहता है, तो हम कल मिलेंगे मॉन्स्टर ग्वेन। और इतना सुनते ही ग्वेन एक सरप्राइजिंग लुक देती है और यहाँ पर वो देखती है कि सूरज उग रहा है। और इतना देखते ही वो छतों पे से उड़ती हुई अपनी घर की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर वो कह रही थी, तुम्हें पता है कि डेयर डेविल बहुत ही ज्यादा यंग है जितना मैंने सोचा था। जिस पर सिम्बियोट उसे कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मेन कॉमिक यूनिवर्स में है और वो अल्टरनेटली मैट मर्डॉक है, समझी। यहाँ पर ग्वेन अपने बिल्डिंग की छत पर आती है और अपने सिम्बियोट से कहती है, तो अब मुझसे हट जाओ। जिस पर सिम्बियोट उसे यूनिवर्स की रचना के बारे में समझा रहा था। यहाँ पर वो कह रहा था, यूनिवर्स एक अनियन की तरह प्रोड्यूस्ड हुआ है। जिस पर ग्वेनपुल कहती है, तो तुम कहना चाहते हो कि यूनिवर्स और कुछ नहीं बल्कि एक्स्ट्रा यूनिवर्सल रिसेप्शन है। और तभी हम देखते हैं कि एक लेडी उस टॉप फ्लोर पर आ रही थी, जिसे देखते ही ग्वेनपुल अपना रूप बदल लेती है। और यहाँ पर उसे देखकर वो लेडी कहती है, लोग हमेशा तुम पर ये कमेंट करते हैं कि वो मर्सिनरी लेडी ग्वेनपुल तुम्हारे ही नाम पर बेस्ड है, क्योंकि तुम्हारा भी नाम ग्वेनपुल है और उसका भी। जिस पर ग्वेनपुल कहती है, हाँ लेकिन उसमें और मुझमें बहुत ज्यादा फर्क है, वो क्रेजी है और वो स्पेशली ग्लासेस नहीं पहनती जैसे कि मैं पहनती हूँ। और वो वहां से जाने लगती है। इतना सुनते ही सिम्बियोट उसे कहता है, मैं तुमसे मिलने से पहले इन सीक्रेट आइडेंटिटीज के बारे में समझ नहीं पा रहा और अब भी नहीं। क्या सच में ग्लासेस एक मेन डिफरेंस हो सकता है? तुम्हें लगता है कि ये सबको बेवकूफ बनाने के लिए काफी होगा? इस पर ग्वेनपुल वेनम से कहती है, ये सारा सुपर हीरो वर्क है, तुम नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर अपने ऑफिस में वो अपने बॉस के सामने खड़ी थी और तभी वो देखती है कि वहां पर मैट मॉर्डॉक यानी के डेयर डेविल, जो कि अपने अल्टर ईगो में एक लॉयर है, वो वहीं पर बैठा था अपने क्लाइंट से यानी कि ग्वेनपुल के बॉस से बात करने के लिए। और यहाँ पर ग्वेन सारा पेपर वर्क रेडी करके आई थी। यहाँ पर वो पेपर अपने बॉस के सामने थमा कर बैठने जा रही थी कि वो मैट मॉर्डॉक को हाई करती है और अपने सिम्बियोट से पूछती है, प्लीज मुझे ये बताओ कि उसने हमें सेंस नहीं किया। इस पर वेनम उसे कहता है, हमारा स्टेल्थ इनकम्पेरेबल है, कोई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये बॉय सिर्फ और सिर्फ ये सेंस कर सकता है कि तुमने एक परफ्यूम लगाया है, क्योंकि मैंने खुद के बदले रिप्लिकेट किया हुआ है। आगे हम देखते हैं, डेयर डेविल ग्वेनपुल के बॉस से ये कह रहा था कि आपका ये करना सही नहीं है, लेकिन ये सुनते ही ग्वेनपुल का बॉस गुस्से में डेयर डेविल से ये कहता है, तुम्हें मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और इंडिपेंडेंटली मैं क्या कर सकता हूँ। तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ पर तुम जिस काम के लिए आए हो वो होने से रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धमका पाओगे और मैं चुपचाप सुन लूंगा? यहाँ पर हम ग्वेन को देखते हैं, वो एक ड्राइंग बना रही थी। यहाँ पर वो ग्वेन और मैट को एक साथ दिखा रही थी, लेकिन अपने ग्वेनपुल और डेयरडेविल अंदाज में, यानी कि अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स में। और वो पेपर वहीं पर था कि तभी वो देखती है कि डेयरडेविल और उसके बॉस के बीच में बहुत ही जोरों से आनाकानी हो रही थी। और यहाँ पर डेयरडेविल चुपचाप वहां से चला जाता है, जिसे देखते ही वेनम कहता है, हम मेल वाइल को मार क्यों नहीं देते? भले ही वो तुम्हारा बॉस होगा, लेकिन उसने उस क्यूट बॉय को डांटा, इस तरह से उसे डांटना नहीं चाहिए था। इतना सुनते ही ग्वेनपुल कहती है, जो कि अभी वेनम के साथ मेंटल लिंक शेयर कर रही थी, वो कहती है, मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे बात से डिसएग्री हो जाऊँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और डेयरडेविल के जाने के बाद उसका बॉस भी वहां से जाने वाला था कि तभी वो ग्वेनपुल से उसके नोट्स मांगता है और वो हड़बड़ी में वो नोट्स दे देती है जो कि उसने ड्रॉप की हुई थी। लेकिन बॉस के जाते ही उसे ये समझ में आता है, मैंने अभी अभी बॉस को वो शीट दे दी जिस पर मैंने मैट ही डेयरडेविल है ये लिखा हुआ था। और बाहर जाते ही ग्वेनपुल अपने बॉस से वो पेपर्स मांगती है, लेकिन बॉस कहता है, नहीं, लंच ऑर्डर के बाद मैं वो तुम्हें दे दूंगा ग्वेन। और वो अपने रूम में चला जाता है। इतना सुनते ही ग्वेनपुल अपना आपा खो देती है और वो कहती है, आखिर मैं अब करूँ क्या? लेकिन वेनम उसे कहता है, तो चलो उसे मार देते हैं। इस पर वेनमपुल कहती है, नहीं, अपना मुंह बंद रखो। और वेनम सिम्बियोट तभी वहां का फायर अलार्म बजा देता है और सब तरफ पानी हो जाता है। इस पर वो वेनम को थैंक्स कहती है और वेनम ग्वेन से कहता है, तो ये सही चांस है कि तुम उसके ऑफिस में जाओ और वो फोल्डर ले लो। इस पर वो कहती है, तुम देख नहीं रहे कि वो फोल्डर उसने अभी भी अपने कंधे में फंसा रखा है? यहाँ पर उसका बॉस पूछ रहा था कि क्या फायर अलार्म ग्वेन ने बजाया। इस पर ग्वेन कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने बजाया। और वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर सब लोग खुद को सुखा रखने में बिजी थे, इसी बात का फायदा उठाकर ग्वेनपुल अपने बॉस की घर की तरफ बढ़ती है और उसे पता नहीं था कि डेयरडेविल उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर वो अपने बॉस के घर के बाहर ही थी और उसे देखते ही वेनम ग्वेनपुल से कहता है कि चलो उसे मार देते हैं, उसने हमें देख लिया है। उसने शायद वो भी देख लिया होगा कि मैट ही
डेयरडेविल है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता और वैसे भी मुझे भूख लग रही है। लेकिन ग्वेनपूल यहाँ पर उसे लड़ रही थी और उसे कह रही थी, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, भले ही वो डेरेबल बॉस हो लेकिन फिर भी हम उन्हें मार नहीं सकते। शायद उन्होंने अभी तक वो पेंटिंग देखी नहीं होगी। इस पर सिंगर ग्वेनपूल से कहता है, तुम बात क्या कर रहे हो, तुम उस बच्चे को मार देना चाहते हो, तुम ही ने उसका राज अपने बॉस के सामने खोल दिया है। उस क्यूट बच्चे के बारे में सोचो जो कि एक लॉयर है, लॉयर डेविल, और वैसे भी मैं भूखा हूँ, क्या तुम मेरी इतनी बात नहीं सुन सकती। इस पर ग्वेनपूल कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कई लोगों को मारा है लेकिन इनोसेंट को नहीं, मैं अपने बॉस को जो कि भले ही टेरिबल है उसे नहीं मार सकती। और यहाँ पर डेयरडेविल आता है और ग्वेनपूल को एक ही पंच में नीचे गिरा देता है और कहता है, मैं तुम्हारा पीछा तब से कर रहा हूँ जब तुम अपने बॉस की केबिन से निकली थी और मुझे पता है कि तुम कौन हो, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम सीरियल किलर हो। और डेयरडेविल ये भी कहता है कि मैंने सेंस कर लिया था कि तुम्हारे शरीर के ऊपर जो वेनम था। यहाँ पर ग्वेन गुस्से में वेनम से पूछती है ये क्या कह रहा है, जिस पर वेनम कहता है, कोई भी हमारे पर्सन के बारे में ऐसी कंप्लेंट अभी तक नहीं आई है, पता नहीं इस लॉयर ने उसे सेंस कैसे कर लिया। और वो अटैक करती है डेयरडेविल पर और मारते हुए वो कहती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। इस पर डेयरडेविल कहता है, मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। यहाँ पर अंदर हम देखते हैं ग्वेनपूल का बॉस वो पेंटिंग देखने ही वाला था कि तभी कांच तोड़कर ग्वेनपूल और डेयरडेविल दोनों ही अंदर जाते हैं और उन्हें देखते ही उसका बॉस निंजास को पुकारता है। और तभी कुछ ही सेकेंड्स में निंजा जहाँ पर छुपे हुए थे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और इतना देखते ही ग्वेनपूल कहती है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम एक बहुत ही बुरे बॉस हो और आज से तुम मेरे बॉस नहीं हो। इतना सुनते ही उसका बॉस कहता है, क्या। इस पर ग्वेनपूल कहती है, मेरे कहने का मतलब था कि तुम एक इविल बॉस होगे अपने एम्प्लॉयज के लिए जो कि तुम्हारे लिए काम करते हैं। यहाँ पर उन निंजास को देखते ही ग्वेनपूल अपने वेनम फॉर्म में आते ही उन सबको मारने लगती है। और वेनम यहाँ पर कह रहा था, मार दो इन सबको, मार दो वरना वो उस क्यूट बॉय को मार देंगे, खा लो क्योंकि मैं हंग्री हूँ, इन सभी को खा लो। यहाँ पर ग्वेन का बॉस वो कोल्ट हाथ में लेते हुए डेयरडेविल की तरफ अपनी गन तान कर कहता है, तुम अब मरने वाले हो और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और वो गोली शूट करता ही है कि तभी ग्वेन वेनम की एक शील्ड बनाकर उस गोली को रिवर्ट करके अपने बॉस की तरफ ही डायरेक्ट करती है और उसी के साथ बॉस मर जाता है और उस खिड़की से नीचे गिर जाता है। और गिरते हुए उस पेपर को ग्वेनपूल अपने वेनम सिम्बियोट से पकड़ लेती है। और डेयरडेविल और ग्वेनपूल दोनों ही छत पर बैठकर बात कर रहे थे जहाँ पर डेयरडेविल कह रहा था, किसी को बिना मारे किसी को बिना नुकसान पहुंचाए तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और डेयरडेविल वहां से चला जाता है। यहाँ पर इतना सुनते ही ग्वेनपूल अपना होश खो बैठती है और चिल्लाते हुए अपनी खुशी जाहिर करती है। लेकिन तभी डेयरडेविल वापस आ जाता है और कहता है, मैं वापस आकर तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी रीजन नहीं मिल रहा कि हम दोनों चल के रूफ टॉप से कूदते हुए एक दूसरे के साथ क्यों ना चले। इतना सुनते ही ग्वेनम ऊपर रूफ टॉप पे चलती है और यहाँ पर वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। यहाँ पर दोनों चलने ही वाले थे तभी ग्वेनपूल उस यूनिवर्स में खींचा जाता है जहाँ पर उसकी जरूरत थी और वो खींची रही थी कि तभी ग्वेन उसे पूछती है, सिम्बियोट तुमने वादा किया था कि तुम और कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। जिस पर वेनम कहता है, नहीं ये मैं नहीं कर रहा, ये अपने आप ही हो रहा है। यहाँ पर पीछे डेयरडेविल देखता है कि ग्वेन कहाँ पर गई और वो कह रहा था कि क्या तुम रात को मुझे जॉइन कर सकती हो, शायद हम वहाँ जाकर कुछ मजे करें। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे कोई भी नहीं दिखता। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।